हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर जलधारा करेंगे। और जलधारा देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, एक विशाल जल राशि, एक जलधारा क्या होती है, एक विशाल जल राशि किसी निश्चित दिशा में, एक विशाल जल राशि किसी निश्चित दिशा में बहती है उसे हम जलधारा कहते हैं। इसके कारण होते हैं, इसका घनत्व कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे वाष्पीकरण कम होता है कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे वर्षा कम होती है कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है कहीं पे ज़्यादा, और कहीं पे वायुमंडलीय दाब कम और ज़्यादा होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे जलधाराएँ बनती है। और जलधाराओं का जो निर्माण होता है वो तो दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक तो होती है गर्म जलधारा और दूसरी होती है ठंडी जलधाराएं। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारी विषुवत रेखा है, इक्वेटर जो है, इसके ऊपर जो भी बनने वाली धाराएं होंगी वो हमारी गर्म धाराएं होती है। कौन सी होती हैं? गर्म धाराएं होती है। और जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो आने वाली धाराएं होंगी वो हमारी कौन सी होती हैं? ठंडी धाराएं होती है, ठंडी जलधाराएं होती है। दूसरा एक मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, जैसे ही गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं टकराती हैं तो वहां पर कोहरे की स्थिति बन जाती है, घना कोहरा और धुंध हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर प्लैंकटन घास जो होता है वो पाया जाता है। और जो प्लैंकटन घास पाया जाता है उसको छोटी मछलियाँ आकर खाती है और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ आकर खाती है। तो इस प्रकार से जहाँ भी ठंडी और गर्म जलधाराएँ टकराएंगी वो हमारा क्या हो जाता है? मछली उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? मछली उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं हैं वो दाईं ओर बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं हैं वो बाईं ओर बहती है। ये बात दोबारा ध्यान रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं हैं वो दाईं ओर चलती हैं, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं हैं वो बाईं ओर चलती है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले देखिए, मैंने जहाँ जहाँ पे स्टार का मार्क किया है, स्टार वाले हमारे क्या हो जाएंगे? स्टार वाली हमारी गर्म जलधाराएँ, और जो मैंने राउंड लगाया है सर्कल, सर्कुलर शेप का जो भी रहेगा वो हमारी ठंडी जलधाराएँ हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रशांत महासागर की। देखिए, पृथ्वी जब गोल है ना तो प्रशांत महासागर हमारा इस हिस्से में भी रहेगा और इस हिस्से में भी रहेगा। तो प्रशांत महासागर के अंदर है ना दो प्रकार की स्थितियां बनती है। एक देखिए, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के ऊपरी हिस्से से जो एक अलास्का है, अलास्का नाम से जो भी जलधारा रहेगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी? गर्म जलधारा। और एक कैलिफोर्निया के नाम से वो ठंडी जलधारा है, और ये दोनों जहाँ पे टकराएंगी वहाँ पर मछली उत्पादन क्षेत्र हो जाता है। इसके अलावा देखिए, मैं बात करता हूँ, एक तो है ओएसओ जलधारा, कौन सी है? ठंडी जलधारा है। और एक है क्यूराइन जलधारा, कौन सी है? क्यूराइन जलधारा। ये जहाँ भी टकराएंगी ये जापान के क्षेत्र में जाके टकराती हैं, और इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? मछली उत्पादन होता है, ठीक है। एक मैं और छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, इसके अंदर यहाँ पे कौन सा प्रवाल द्वीप बना हुआ? कौन सा? प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप किस चीज से निर्माण हुआ, इसका ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ये जो जीव जंतु होते हैं ना हमारे, उनके मरने के बाद जो उनकी हड्डियां हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, और इकट्ठी होने से एक पहाड़ी जैसी स्थिति बन गई है, तो उसको हम प्रवाल द्वीप बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा ग्राउंड है उससे ऊपर हमारा 8,850 यानी कि माउंट एवरेस्ट, और नीचे हमारा जो गर्त, सबसे गहरा जो गर्त है वो हमारा 11,022 मीटर कह सकते हो, या 11 किलोमीटर कह सकते हो। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा 9 ऊपर और 11 नीचे, यानी लगभग 20 किलोमीटर का हमारा टोटल गर्त से और टोटल हाइट का पॉइंट रहेगा, या फिर उसको 20,000 मीटर कह सकते हो, या फिर आप उसको 20 किलोमीटर भी कह सकते हो। तो प्रशांत महासागर की हमारी कितनी धाराएं थी? दो धाराएं थी। कौन कौन सी? ओएसओ और क्यूराइन। जापानी क्षेत्र के अंदर जहाँ पे भी मतलब टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है? मछली उत्पादन क्षेत्र होता है भी सबसे बड़ा। और दूसरी कौन सी बताई मैंने? अलास्का गर्म जल की धारा, और ये कैलिफोर्निया हमारी ठंडे जल की धारा थी। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हिंद महासागर की बात करते हैं। हिंद महासागर के अंदर स्टूडेंट्स देखिए, जो विषुवत रेखा है ना, इसके
इसके ऊपर जितनी भी धाराएं होंगी वे हमारी कौन सी गर्म जल की धाराएं होती है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो रहेंगी ना वो हमारी क्या रहेंगी, उत्तर विश्वत जल धारा बोलते हैं। उत्तर विश्वत जल धारा कैसी होती है, गर्म जल धारा होती है, और नीचे की तरफ जो रहेंगी उनको हम दक्षिण और विश्वत जल धारा बोलेंगे। दक्षिण विश्वत जल धारा ये भी हमारी गर्म होती है, और हिंद महासागर के अंदर एक हमारी अब्बू लहास, कौन सी अब्बू लहास के नाम से भी हमारी क्या रहेगी, गर्म जल धारा रहेगी। विश्वत रेखा के पास में एक हमारी बेंगुला जल धारा जो कि ठंडी है, और यहाँ पे मोजाम्बिक, कौन सी मोजाम्बिक जो जल धारा रहेगी वो हमारी गर्म जल धारा रहेगी। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, मोजाम्बिक जल धारा किस मतलब स्थिति कैसी है, ठंडी है गर्म है, तो ये हमारी गर्म रहेगी, बेंगुला ठंडी रहेगी, और अबू लहास मैंने बताया हिंद महासागर के अंदर है, इनका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है कहाँ पर मतलब कौन सी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में इधर हमारी जैसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जल धारा बोली जाती है, कौन सी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जल धारा, और इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जल धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जल धारा जो है वो हमारी ठंडी रहेगी, और इधर जो जल धारा रहेगी वो हमारी गर्म रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो अटलांटिका महासागर है इसके अंदर देखिए क्या रहेगा, एक तो कनारी जल धारा है, कौन सी है, कनारी जल धारा है, यह हमारी ठंडी जल धारा रहेगी। उत्तर विश्वत जल धारा है, यह हमारी गर्म रहेगी। यहाँ टकराने के बाद ये स्थिति कौन सी मछली उत्पादन की हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक तो लेबाडोर है, कौन सी है, लेबाडोर, और नीचे की तरफ से यदि हम जाएंगे तो गल्फ जल धारा है। लेबाडोर हमारी ठंडी रहेगी और गल्फ जल धारा हमारी ये गर्म रहेगी, और ये दोनों जैसे ही टकराती है तो मछली उत्पादन क्षेत्र बन जाता है, और इसको हम ग्रैंड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड बैंक कहते हैं, और इसको अमेरिका का ग्रैंड बैंक भी बोला जाता है। और जो गल्फ जल धारा है ना ये हमारी गर्म कमल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गर्म कमल बोलते हैं, और ये हमारी सबसे तेज रहेगी, कौन सी रहेगी, सबसे तेज रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी ब्राजील जल धारा है, कौन सी रहेगी, ब्राजील जल धारा, और यहाँ पे फोकनेट जल धारा है, कौन सी है, फोकनेट जल धारा। फोकनेट जल धारा हमारी ठंडे पानी की रहेगी और ब्राजील जल धारा हमारी गर्म जल की रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया जहाँ भी हमारी गर्म और ठंडी धाराएं टकराती वहाँ पर स्थिति कैसी होती है, घने कोहरे और धुंध की स्थिति बन जाती है, और वहाँ पे कौन सा घास पाया जाता है, वहाँ पे प्लैंकटन नाम का घास पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे विश्वत रेखा की ये गर्म हो गई है, और इधर से हमारी एम्बोल्ट या पेरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बोल्ट या पेरू बोलते हैं भाई। ठीक है, ये हमारी ठंडे जल की धारा होती है, यहाँ पे टकराने पर भी कैसी स्थिति बन जाती है, प्लैंकटन घास बनने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज हमने इसके अंदर जल धाराओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करी है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।